फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले दैट मीन 17 या 18 नवंबर 2018 को एक न्यूज़ काफ़ी पॉपुलर हुई कि चाइना एक अपना आर्टिफिशियल सन बनाने जा रहा है, एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने जा रहा है जो हमारे रियल सूरज को रिप्लेस कर देगा। ऑलमोस्ट जो जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है या फिर न्यूज़पेपर है, सब ने इस न्यूज़ को कवर किया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि चाइना जो एक अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है वो क्या रियल में सन है, अगर सन है तो क्या वो हमारे रियल सूरज को रिप्लेस कर पाएंगे, और अगर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो फिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे इस आर्टिफिशियल सन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, वो किस तरह काम करेगा उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, और उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नूरन आजाद और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी माफिया। चलिए आप जानते हैं इस आर्टिफिशियल सन के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको चौंका देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EASTB कहते हैं। ये डिवाइस 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, और अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट 360 टन है, और मैं आपको बता दूं कि 1 टन इज इक्वल टू 907 किलो होता है, तो इसके वेट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चाइनीज इंस्टीट्यूट का कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल सन है या फिर टोकामा जिसे कहते हैं, वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म है। अगर हम इसका रियल सन से कंपैरिजन करें तो रियल सन से 6 गुना ज़्यादा गर्म है। वहीं जो हमारा रियल सन है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो जो ये चाइना का आर्टिफिशियल सन है या फिर आप इसे टोकामा कह सकते हैं, ये रियल सन से 6 गुना ज़्यादा गर्म है और 6 गुना ज़्यादा रोशनी भी दे सकता है। तो क्या ये जो आर्टिफिशियल सन है वो हमारे रियल सन या फिर सूरज को रिप्लेस कर पाएगा? तो मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी जनरेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि अभी तक जो भी एनर्जी जनरेट करने के लिए जो भी प्लांट या फिर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता था। जैसे कि एनर्जी जनरेट करने के लिए कोयला का यूज़ होता था, तो जहाँ पे कोयला का यूज़ होता था तो पॉल्यूशन भी वहाँ पे बढ़ता था। तो ये जो टोकामा है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो पॉल्यूशन फ्री होगी, उसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। एंड ये डिवाइस जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करेगी। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली ये जो टोकामा डिवाइस है उसके अंदर एक प्लाज्मा होगा, उस प्लाज्मा के अंदर दो हाइड्रोजन डाले जाएंगे, एक तो ट्राइटियम और दूसरा ड्यूटेरियम हाइड्रोजन डाला जाएगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो एक एनर्जी, एक हीट जनरेट होगा, और उस हीट के थ्रू एक न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट होगा, तो वहाँ से हमें एक एनर्जी मिलेगी। इसी तरह की सेम थिंग जो हमारा रियल सूरज है उसमें भी होता है, और इसी वजह से उस सूरज में भी एनर्जी जनरेट होता है। और इस टोकामा में चारों तरफ से एक मैग्नेट लगाया जाएगा, और ये मैग्नेट इसे लगाया जाएगा ताकि जो ये हीट जनरेट होगा दो हाइड्रोजन को मिलाने के बाद, न्यूक्लियर फ्यूजन जब बनेगा तो काफ़ी हीट जनरेट होता है, तो इस हीट को कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसको एक लिमिटेड एरिया में बाउंड करने के लिए, एक लिमिटेड एरिया में बांधने के लिए इसमें मैग्नेट लगाया जाएगा, और उस मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। सपोज़ अगर हम कहीं पे भी मैग्नेट या फिर लोक चुंबक जिसको हम कहते हैं वो रखेंगे, तो उसके सराउंडिंग का जो अफेक्टेड एरिया है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसका जो हीट है उसे एक एरिया तक लिमिटेड कर दिया जाएगा, और टोकामा के बाहर एक कंटेनर लगाया जाएगा, तो ये जो हीट है वो बाहर के कंटेनर को टच नहीं कर पाएंगे। चाइना ने इस डिवाइस को 10 सेकंड के लिए चालू किया था, जिसमें जो उनका टारगेट था दैट मीन 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का हॉटनेस अचीव करना, उसे वो अचीव कर लिए। अब देखते हैं कि फ्यूचर में इसे किस तरह काम में लिया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि इससे हमें साफ एंड क्लीन एनर्जी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस चाइना के आर्टिफिशियल सन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।